आलू कितने? काय मराठी हिंदी 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 रोल माधुरी जी ये बताइए कि जिस तरह से लाखों करोड़ों फैन हैं आपके नृत्य के डांस के आपके डांस के फैशन में बहुत ज्यादा मानते हैं ये एकेडमी आप खोलने जा रहे हैं क्या मार्गदर्शन करेंगे इस एकेडमी ये एकेडमी हम R&M मूविंग पिक्चर्स हमारी कंपनी है उसके थ्रू डिजिटल और मीडिया कंपनी है तो उसके थ्रू हमने ये शुरू किया है ऑनलाइन एकेडमी है मतलब आप इंटरनेट पे जाके अगर आप टाइप करेंगे dancewithmadhuri.com या आप अगर मेरे वेबसाइट पे जाएंगे madhuridikshit-neni.com तो आपको ये एकेडमी दिखाई देगी उसमें हम चाह रहे हैं कि अभी दो ही गाने सिखाए हैं मैंने एक माइनी माई और एक दो तीन लेकिन जैसे वक्त जाएगा और लोगों का रिस्पांस आएगा हम चाहते हैं कि ये एक ऐसी एकेडमी बने जो हर डांस स्टाइल एक रूफ के नीचे हो चाहे वो इंडियन हो या फोक हो क्लासिकल हो वेस्टर्न हो ऑल काइंड्स ऑफ डांसिंग एक रूफ के नीचे लाना चाहते हैं और डांस मेरा हमेशा पैशन रहा है मेरे हस्बैंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं बिफोर ही जॉइंड मेडिसिन उनकी खुद की कंपनी थी और उन्होंने बहुत सॉफ्टवेयर बनाया अलग अलग चीज़ों के लिए तो ये हमारा पहला स्टेप था जब मैंने वेबसाइट बनाई और सेकेंड स्टेप था जब हमने ऐप बनाया दिस इज़ अ वे टू गेट क्लोजर टू माई फैंस और मेरे फैंस जिन्होंने इतने सालों से मुझे प्यार दिया है उनके लिए कुछ मैं करना चाहती थी मेरे पैशन के साथ विच इज़ डांस तो हम चाहते हैं कि डांस घर घर में पहुंचे हर आदमी डांस कर सके और सिंप्लीफाई करके कि बहुत आसान होता है डांस करना कुछ बहुत मुश्किल नहीं है ऐसे तरीके से हमने छोटे छोटे लेसन्स करके इस डांस को सिखा रही हूँ मैं इस वेबसाइट के थ्रू करेंगे तो कई सारे डांस एकेडमी है इंडिया में और कई सारे एकेडमी खुल चुकी है कितना चैलेंजिंग हुआ और कितना कोई नहीं ऐसी एकेडमी है नहीं वर्ल्ड ओवर हमने रिसर्च किया है ऐसी एकेडमी कहीं नहीं है ये पहली है और पहली बार ये कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन एकेडमी बनाने की इसमें एक बहुत फन एलिमेंट भी है ना ही सिर्फ हम डांस सिखा रहे हैं लेकिन एक सोशल एस्पेक्ट भी है जहां आप अब खुद को पिक्चराइज कर सकते हैं और इस फिल्म को आप अपलोड कर सकते हैं टू द वेबसाइट और आपके फ्रेंड्स वो दे सकते हैं या हम देख सकते हैं मैं और हमारे पैनल ऑफ जजेस भी नहीं उन्हें कहूंगी कोरियोग्राफर्स जो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं या रेट कर सकते हैं या आपके लिए हम क्या कहते हैं कमेंट्स भी दे सकते हैं तो उस हिसाब से इट बिकम्स अ वेरी इंटरैक्टिव काइंड ऑफ अ कम्युनिटी जहां स्टैमिना पॉइंट्स हैं जितना आप यूज करेंगे इसे तो आपका हेल्थ उतनी अच्छी होगी डांस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तो आपका हार्ट हेल्थी होता जाएगा उसमें बैजेस हैं जैसे आपने एक्स अमाउंट ऑफ क्लासेस किए तो उसके लिए बैजेस रखे हैं हम लोगों ने एंड इफ यू कलेक्ट इनफ बैजेस तो आपको कुछ गिफ्ट मिल सकती है समथिंग साइन माई बी और मे बी अगर आपने बहुत ही अच्छा कोई वीडियो अपलोड किया है और हमें इतना पसंद आया कि आप मुझसे भी मिल सकते हैं तो इन दैट वे इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव वन और वी वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑन ऑनलाइन कम्युनिटी अबाउट डांस नहीं इसमें नो एज बैरियर कोई भी सीख सकता है एवरी वन देर इज नो एज बैरियर देर इज नो बैरियर कि जिसे डांस नहीं आता या डांस आता है कोई भी इस पे जाके सीख सकता है जो शाय आदमी है वो अपने टाइम से वेन एवर ही वॉन्ट्स टू कि आज मुझे एक घंटा मिल रहा है फ्री तो मैं सीख लेता हूँ तो कभी भी इंटरनेट पे जाके एंड इट्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स आपके आईफोन पे एनी स्मार्टफोन आईपैड्स पे आप जा सकते हैं या कंप्यूटर पे आप कहीं भी जाके आप इस साइट पे जा सकते हैं और सीख सकते हैं डांस सो यू कैन यू नो लर्न एट योर ओन कन्वीनियंस एज वेल जी हाँ हाँ चैलेंजिंग है और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि दिस इज़ द वे आई एम रीचिंग आउट टू माई फैंस जिन्होंने इतना प्यार दिया इतने साल मेरा डांस पसंद किया है तो उनके लिए मुझे कुछ करना था सो इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ गिविंग बैक उनको तो ऐसे ही नचाती रहती हूँ मैं नहीं मजाक कर रही हूँ लेकिन हाँ उनकी है एक डांसिंग स्टाइल एक फ्री स्टाइल है जो बहुत अच्छा करते हैं अच्छा अगर बात करें अगर आप तो मतलब हम हर एक गाने पर डांस नॉइस के
हर एक गानों पर डांस करती है, वो कौन सा गाना होगा या फिर वो कौन सा डांस जो पर्टिकुलर लाइफ टाइम के आपका काफी दिल के करीब रहा और आपका फेवरेट रहा? बहुत से मेरे ऐसे गाने हैं दो जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अलग अलग स्टाइल्स है उसमें. जैसे एक दो तीन था, एक अलग ही नृत्य था उसमें, चोली के पीछे क्या है, जो बहुत फोक डांस के मूवमेंट्स हमने उसमें यूज़ किए थे, या के सरा सरा जिसमें बहुत वेस्टर्न प्रभुदेवा स्टाइल ऑफ डांसिंग था, और इवन काहे छेड़ छेड़ मोहे जिसमें बहुत क्लासिकल था, मार डाला जिसमें अगेन क्लासिकल मिक्स विद बॉलीवुड था. तो अलग अलग स्टाइल्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और बहुत सारे गाने हैं और हर गाने में मैंने कोशिश की है कि एक अलग स्टाइल कर सकूं. सो इतने बिजी शेड्यूल के बाद जैसा कि आपकी फिल्म की शूटिंग भी चले देर से किया और फिर ये सो कैसे मैनेजमेंट कर पाते हो, कुछ फिल्मों के बारे में कितनी तैयारियां देर से किया? मतलब बैलेंस करना तो आई थिंक औरत सीख ही जाती है कैसे बैलेंस करना है सब कुछ. हाँ, बच्चे भी हैं तो उनको भी वक्त देना है और ये सब कुछ करना है, मेरे फैंस के लिए भी वक्त निकालना है. और हाँ, मैनेज तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डेडिश किया क्योंकि उसमें नसीर जी हैं, अरशद वारसी, वो वेरी वेरी गुड एक्टर्स और बहुत मज़ा आएगा उनके साथ काम करके. गुलाब गैंग एक अलग ही फिल्म है, बहुत अच्छा किरदार है उसमें, बहुत स्ट्रांग रोल है, तो वो भी मुझे मज़ा आ रहा है करने में. अदरी जी, फिल्मों की अब बात ही निकली है तो हमारे यहाँ लाइफ ऑफ पाई जो ऑस्कर में उसको अवार्ड मिले हैं जी, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसे ऑस्कर नहीं मिले, क्या वजह है ऐसा, क्या होता है कि हमें ऑस्कर नहीं? नहीं, हम पहुँच रहे हैं वहाँ अभी. मतलब जब तक लगान सिलेक्ट नहीं हुई थी बहुत कम फिल्में पहुँच रही थी वहाँ पे, लेकिन अब हमारी फिल्में पहुँच रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो ये ही बहुत बड़ी बात है. और आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल सी कि बहुत बदलाव आएगा ऑस्कर्स में भी. वहाँ पे यू हैव टू प्रमोट योर मूवी और वो जो पूरा नेटवर्क वहाँ बनाना पड़ता है वो भी बना लेंगे हम, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू सी एन इंडियन फिल्म इन नेक्स्ट 5 years. वेल, अ लॉट ऑफ थिंग्स, सिर्फ वो नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखनी है अभी तक हमें. टेक्नॉलॉजी से तुम्ही गोष्ट केली की डॉक्टर श्रीराम खूप चांगले टेक्नॉलॉजी मध्ये, पण तुम्ही पण खूप चांगले आहात टेक्नॉलॉजी मध्ये, तुम्ही पण खूप चांगले. आता मी शिकते, त्यांच्याकडनं शिकते. आणि जेव्हा आय एम व्हेरी पॅशनेट अबाउट डान्स, आणि जेव्हा मला विचार आला की मला असा एक अकॅडमी बनवायची जिथे प्रत्येक माणसाला शिकता आला पाहिजे डान्स, म्हणजे दे शुड बी एबल टू गो हॉप ऑन अँड लर्न बिकॉज दे वॉन्ट टू. आणि ही माझी आयडिया होती आणि मी माझ्या हजबंडला सांगितलं, तर तो म्हणाला की ऑफकोर्स वी कॅन डू इट, कारण त्याला टेक्नॉलॉजीचं बॅकग्राऊंड आहे, त्याची सॉफ्टवेअर कंपनी होती बिफोर ही वेंट इन टू मेडिसिन अँड ही इज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर डिफरंट थिंग्स. तर त्याच्यामुळे तो म्हणाला येस वी कॅन डू इट, आणि त्यांनी हे क्रिएट केली सगळी विथ अ पार्टनर. आणि हा वेबसाईट जे ते त्यांची आयडिया आहे, आणि ऑफकोर्स माय आर्टिस्टिक थिंग इज माइंड वेअर आय बॉट द आर्ट अँड द डान्स अँड एव्हरीथिंग, सो इट्स अ गुड अमॅलगमेशन विच इज RNM मूव्हिंग पिक्चर्स. म्हणजे लोकांना इकडे बसून आपल्या घरी बसून शिकायला, घरी बसून, ऑफिसमध्ये बसून, कुठेही अँड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ऑन एव्हरी प्लॅटफॉर्म. म्हणजे तुम्ही आयफोनवर जा, एनी स्मार्टफोन, आयपॅड्स, कम्प्युटर्स, कुठेही ऑन एव्हरी प्लॅटफॉर्म इट्स देअर. आणि यू कॅन लर्न ॲट युअर ओन लीजर कधीही. म्हणजे तुम्हाला जर एक कुठची तरी मीटिंग कॅन्सल झाली, समजा ओ लेट्स सी काय डान्स आहे, लेट्स लर्न इट दॅट वे, सो यू कॅन गो ऑनलाईन अँड जस्ट लर्न इट. किंवा पीपल आर शाय टू डान्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, त्यांना खूप असं संकोच असतो लोकांसमोर डान्स करायला, ते आपल्या रूममध्ये बसून दे कॅन डू इट ऑन देअर ओन, दे कॅन लर्न इट. किंवा संगीत हल्ली खूप पॉप्युलर झालंय, म्हणजे प्रत्येक लग्नात संगीत इज अ बिग थिंग. तर इफ देर आर पीपल ऑल ओवर द ग्लोब, म्हणजे कोण इंडियामध्ये, कोण फ्रेंड UK मध्ये, कोण US मध्ये, तर ते सगळे एका वेळेला ऑनलाईन जाऊ शकतात किंवा ऑन डिफरंट लेवल्स दे कॅन गो अँड लर्न द सेम डान्स, कम टुगेदर अँड डू द सेम स्टेप्स, सो इट्स ऑल कोरिओग्राफ फॉर देम, तर असे मी म्हटलं, म्हणजे इट्स अ व्हेरी व्हेरी नाईस वे टू डू इट. म्हणजे यावेळी संगीतात आणि गणपतीमध्ये माधुरी स्टेप्स बघायला मिळतील. होपफुली, आय विश अँड आय होप. ओके, थँक्यू. Related with the Hello, please sir. I'm Chan ID. I'm Chan ID. Please subscribe Larry TV. What is that? Please, what? Larry Channel ID. Chan ID, I told you now. Okay. Just one. Yeah, but last, please, we need to know what. Please, what?
सब्सक्राइब टू लहरी टीवी ये तो वॉच भी चलेगा हाँ वॉच लहरी टीवी वॉच भी चलेगा